अस्सलामुअलैकुम खान वाइस के दोस्तों, इस्लाम की पहली शहीद खातून, जिस तरह सबसे पहले इस्लाम के दामन रहमत से वाबस्ता होने का एजाज़ एक मुअज्ज़ज़ खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हु को हासिल हुआ, उसी तरह सबसे पहले हक़ की राह में जान का नजराना पेश करने की सआदत भी एक खातून को हासिल हुई। ये खातून हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाहु अन्हु थी। आप हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाहु अन्हु की वालिदा माजिदा थीं, जिन्होंने नामूसे रिसालत के तहफ़ के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश की। इस्लाम कबूल करने के साथ ही उनके जज्बाए ईमानी को तरह तरह से आजमाया गया, लेकिन जान का खौफ भी उनके जज्बाए ईमानी को शिकस्त ना दे सका। रिवायत में मज़कूर है कि उन्हें गर्म कंकरियों पर लिटाया जाता, लोहे की ज़िरह पहनाकर तपती धूप में खड़ा कर दिया जाता, लेकिन लबों पर मोहब्बत रसूल के फूल खिलते रहे और पाए इस्तख़लाल में ज़र्रा भर लग्ज़िश ना आई। औरत तो नाजुक आबगीने का नाम है, जो ज़रा सी ठेस से टूट जाता है, लेकिन हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाहु अन्हु का ईमान लोहे की दीवार बन गया। रिवायत में मज़कूर है कि अबू जहल ने उनकी शर्मगाह पर बर्छे से वार किया, जिससे वो शहीद हो गई। ये इस्लाम की पहली शहीद खातून है, जिनको हिजरत से पहले शहीद कर दिया गया, और ये वो खातून हैं जिन्होंने मक्का मुकर्रमा में इस्लाम के इब्तिदाई दौर में अपने इस्लाम का ऐलानिया इजहार किया। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी मालूमात अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं खान वाइस स्टोरी। सबक़ामोज किस्से, वाक़ियात और इस्लामिक स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।